हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगोकिया, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज में। और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, उनके बहुत सारे क्वेरीज आते हैं, काफ़ी सारे क्वेरीज के आंसर उनको कमेंट्स में ही मिल जाते हैं, और कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस रहते हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो फर्स्ट, हमारा जो व्यूअर है उनका क्वेश्चन है कि मैम, 5 सेंटीमीटर की रसौली है और पेशेंट की जो एज है वो 44 ईयर्स है, तो क्या कॉपर टी से ठीक हो सकता है? और ओवरीज में 2% ही एग्स लेफ्ट ओवर है। सो पहले तो 44 ईयर्स की एज है, आपने बताया नहीं है कि आपको क्या तकलीफ़ हो रही है। सो जनरली आपने जैसे लिखा है रसोली, तो रसोली का मतलब जनरली होता है कि फाइब्रॉइड्स। तो इन केस आपको फाइब्रॉइड्स की गांठ है, 44 ईयर्स की एज है, आपके जो ओवरीज है उसमें भी 2% जैसे आप बोल रहे हो कि एग्स लेफ्ट ओवर है। सो जनरली 44 एज इज़ द एज ऑफ पेरीमेनोपॉज। जनरली मेनोपॉज आने का जो उम्र होता है वो 40-45 के बाद कभी भी आ सकता है। तो इस उम्र में 5 सेंटीमीटर की गांठ है और आपको कोई भी तकलीफ नहीं हो रही है, तो आपको कोई फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने लिखा है कि कॉपर टी से ठीक हो सकता है या नहीं, सो जनरली कॉपर टी जो है उसमें हम मिरीना करके कॉपर टी रखते हैं। तो मिरीना कॉपर टी जो होता है उससे आपको जो बेनिफिट होगा कि अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें आपको राहत मिल सकती है, उसमें आराम मिल सकता है। लेकिन यदि आपको पेन ज़्यादा हो रहा है तो मिरीना या तो कोई भी कॉपर टी से आपका पेन नहीं जाने वाला है। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जब भी हम आपको ट्रीटमेंट का ऑप्शन देते हैं, सो आपका सिम्टम्स क्या है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हो रही है, पेन हो रहा है, हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, उसके ऊपर से आपका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। प्लस फाइब्रॉइड की जो गांठ होती है उसकी पोजीशन, कि फाइब्रॉइड जैसे यूट्रस है उसके 3 लेयर्स है, ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है, यह मिडल लेयर है और यह आउटर लेयर है। तो यदि फाइब्रॉइड की गांठ बाहर के लेयर में है तो जनरली 5 सेंटीमीटर है, तकलीफ नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं करना है। लेकिन यदि फाइब्रॉइड की गांठ यूट्रस के अंदर है या तो मिडल लेयर में है तो उसको रिमूव करने की ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरा हमारे व्यूअर का बहुत ही एक क्वेश्चन आया है रिलेटेड विद द प्रेगनेंसी, कि मैम मेरा फर्स्ट 1 वीक की प्रेगनेंसी हुई है, राइट साइड में दर्द हो रहा है और मेरा बीटा HCG 1162 है, तो प्लीज़ दर्द क्यों हो रहा है उसके बारे में बताइए। सो फ्रेंड्स, जनरली जो प्रेगनेंसी रुकती है, प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर, दैट इज़ अ नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी, और यूट्रस के बाहर भी रुक सकती हैं, दैट इज़ अ फलोपियन ट्यूब्स। तो आपने जो वैल्यूज़ बताई हैं बीटा HCG की वैल्यूज़ 1162 है। यदि आपको राइट साइड में पेन हो रहा है तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप अपने नियर बाय गाइनेकोलॉजिस्ट को एक बार दिखा दीजिए। और सपोज़ 1162 है बीटा HCG, 48 आवर्स के बाद आपको बीटा HCG रिपीट करने की ज़रूरत है, ताकि वी कैन रूल आउट कि प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है या फेलोपियन ट्यूब, या तो यूट्रस के बाहर कोई भी ऑर्गन्स, आइदर ओवरीज या तो फेलोपियन ट्यूब में भी प्रेगनेंसी रुक सकती है। यदि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, यानी कि फेलोपियन ट्यूब में है प्रेगनेंसी, तो ऐसे केसेस में भी पेन हो सकता है। इवन अर्ली प्रेगनेंसी जब भी रुकती है, जो इनिशियल टाइम है आपका फर्स्ट 3 मंथ्स, उस दौरान आपको माइल्ड क्रैम्प्स आ सकते हैं इफ़ इट इज़ इंट्रायूटराइन प्रेगनेंसी ऑल्सो। सो इसको कन्फर्म करना ज़रूरी है, सो बेटर टू टेक ओपिनियन विथ योर नियर बाय गाइनेकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैम, इफ़ माय पार्टनर इज़ नॉर्मल, डोंट हैव एनी प्रॉब्लम और इन्फेक्शन, कैन वी डू सेक्स विदाउट कंडोम ड्यूरिंग पीरियड्स? तो हमारा जो एक वीडियो है कि सेक्स ड्यूरिंग पीरियड्स एडवाइजेबल है या नहीं, तो डिटेल में फ्रेंड्स मैंने उसमें समझाया है कि ड्यूरिंग पीरियड्स हो सके तो आपको सेक्स नहीं करना है, इंटरकोर्स नहीं करना है। दूसरा, कि वह समय पे जो फीमेल है उसको क्रैम्प्स भी आते हैं, मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है
वह यहाँ से बाहर फ्लो कर रहा है. सो इस दौरान यदि आप इंटरकोर्स करते हैं तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप कंडोम का यूज़ करें. यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि जो पार्टनर है वो नॉर्मल है, उनको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जब भी आप विदाउट प्रोटेक्शन या तो विदाउट कंडोम अगर इंटरकोर्स करते हैं तो देर आर चांसेस कि यहाँ पे इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है. सो आप जो फीमेल पार्टनर है उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ड्यूरिंग पीरियड्स यदि आप इंटरकोर्स करते हैं तो जो भी सेमिनल फ्लूइड या सीमन जो यहाँ पे रिलीज़ होगा उसकी वजह से भी महिला जो है उसको इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है. एक बार जो फीमेल पार्टनर है उसको इन्फेक्शन हुआ तो अगेन सेकेंड टाइम आप इंटरकोर्स करेंगे तो मेल पार्टनर को भी वह ट्रांसफ़र हो सकता है. सो माय एडवाइस इज़ दैट कि ड्यूरिंग पीरियड्स बेटर टू अवॉइड इंटरकोर्स. और यदि आपको करना ही है इंटरकोर्स ड्यूरिंग पीरियड्स देन प्लीज़ यूज़ कंडोम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैम मेरी एज है 35, नसबंदी ऑपरेशन करवा दिया है दूरबीन से, 14 महीने हो गए हैं और अभी बच्चा चाहिए, तो क्या ऑपरेशन खुल सकता है, प्लीज़ हमें बताइए. सो फ्रेंड्स, पहले तो 35 की एज है, आपने 14 महीने पहले लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन करवा दिया है, तो आपके पास अभी दो ऑप्शन है यदि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करनी है. तो फर्स्ट ऑप्शन है कि आप ऑपरेशन खोल सकते हैं, खुलवा सकते हैं. उसके पहले आपका फेलोपियन ट्यूब का एक टेस्ट करना आवश्यक होता है कि वेदर आपका ऑपरेशन खोल सकते हैं या नहीं, वह डिसीशन लेना होता है. दूसरा कि यदि आपको ऑपरेशन खुलवाना नहीं है फिर भी आपको प्रेगनेंसी चाहिए तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास रहेगा टू गो फॉर IVF ट्रीटमेंट, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें फेलोपियन ट्यूब की ज़रूरत नहीं पड़ती है. जो काम नेचुरली फेलोपियन ट्यूब में होता है वह काम आपका IVF लैब में हो जाएगा. सो यू कैन ऑलवेज गो फॉर द IVF ट्रीटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैम आई हैड इंटरकोर्स ऑन 20th ऑफ डिसम्बर एंड गॉट माई पीरियड्स इन जनवरी नॉट इन डिसम्बर, देन अगेन देन इन मार्च एंड नॉट इन मे एंड इट्स June 2nd, नॉट गॉट माई पीरियड्स येट एंड आई हैव सिम्टम्स लाइक ब्लोटिंग लाइक PMS, वॉट कैन बी द रीज़न. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगेन मैं बताना चाहती हूँ कि जो पीरियड्स की साइकिल होती है दैट इज़ 28 डेज प्लस और माइनस 7 डेज. सो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है दैट रेंजेस बिटवीन 21 डेज टू 35 डेज. तो यदि आपके पीरियड्स 21 दिन से लेकर 35 दिन के बीच में आते हैं तो दैट इज़ अ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल. यदि आपके पीरियड्स 1.5 महीने 2 महीने में आ रहे हैं सो दैट मीन्स कि योर साइकिल्स आर इरेग्युलर. सो इरेग्युलर पीरियड्स होने के काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं. हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि थायरॉयड रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं. इवन आप जैसे बता रहे हैं ब्लोटिंग वगैरह है, सो आपका वेट गेन यदि आपने पुट ऑन किया है तो भी आपको यह सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल PMS है या तो इरेग्युलर पीरियड्स हैं. तो मेरी एडवाइस रहेगी कि आप नियर बाय जो गाइनेकोलॉजिस्ट रहेंगे उनके पास जाकर एक बार आपका बेसलाइन सोनोग्राफी करवा लें, हार्मोनल प्रोफाइल करवा लें एंड थायराइड रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं वो भी एक बार करवा लीजिए ताकि अपने को एग्जैक्ट रीज़न पता चले कि आपके साइकिल्स इतने इरेग्युलर क्यों हैं. और दूसरा कि आप जब भी इंटरकोर्स करते हैं प्लीज़ यूज़ सम मोड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैम हाउ मेनी टाइम्स शुड वी इंटीमेट टू गेट प्रेग्नेंट. सो बहुत ही वैसे बोलने जाओ तो इनफर्टिलिटी के जो पेशेंट्स हैं उसमें यह बहुत ही कॉमन क्वेरी रहती है कि उनको पता नहीं होता है कि कौन से दिन पे हमें इंटरकोर्स करना है, फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए. सो फ्रेंड्स, जो भी पेशेंट हैं जो भी कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए बताना चाहती हूँ कि आपके फॉर एग्जांपल आपके जो पीरियड्स हैं 28 टू 30 डेज की साइकिल है आपकी, तो ऑन एन एवरेज आपको पीरियड के 8th डे 10th डे 12th डे 14th 16th एंड 18th इन दिनों में आप अल्टरनेट डेज रिलेशन प्लान करेंगे, इंटीमेट होंगे तो आपको प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे. सो फ्रेंड्स,
बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास. सो मे बी हमारे जो फर्स्ट फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ Q&A सेशन होता है, आपके भी ऐसे कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी गायनेक टॉपिक है, इनफर्टिलिटी टॉपिक है, प्रेगनेंसी रिलेटेड है, डिलीवरी रिलेटेड है, वेजिनिस्मस के रिलेटेड है, तो आप बेझिझक आपका क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और हम जल्दी कोशिश करेंगे आपके इन सवाल के जवाब देने के लिए. सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय.